दिल्ली की समस्या तो ये है कि यहाँ पर जो है एक तो बहुत घिचमिच बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और रास्ते जाम होते हैं, परेशानी है छत्तीस। और जो है एक यहाँ पर लड़कियाँ स्त्रियाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है बेटा, आपसी सौहार्द नहीं है, जो सौहार्द होना चाहिए, आपसी मेलजोल अपनापन जो है वो ख़त्म होता जा रहा धीरे धीरे। सब आदमी अपने काम से काम रखते हैं, कोई दूसरी बात नहीं करता, अपना काम हुआ चले गए, किसी कोई हाथ नहीं बटाता, कोई काम में साथ नहीं देता, कोई किसी को प्रॉब्लम है कोई देख के निकल जाएंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे उस पर। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ का वातावरण दूषित हो चुका, ये परेशानी है। लेकिन समस्या सबसे पहली तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। महिला सुरक्षा के बारे में जो दिल्ली सरकार है इसने काफ़ी काम इसमें किया है, जैसे DTC में मार्शल कर दिए हैं और आने वाले समय में भी इनके कुछ प्लानिंग है कि मोहल्ला जो क्लिनिक है उसमें भी मार्शल करने जा रहे हैं ये। तो काफ़ी हद तक ये जो डार्क स्पॉट है इसमें भी इन्होंने CCTV वगैरह या जो फ्लड लाइट हैं वो भी लगवाई हैं, लेकिन और भी काम इसमें अभी होना बाकी है जिससे कि महिलाएं अपने घर से निकल सकें। और वो एक जिस तरह बॉम्बे में कोई महिला निकलती है और आधी रात को या पूरी रात भी जब अपने घर वापस जाती है तो उसको कोई किसी तरह की दिल्ली जैसी परेशानी कभी महसूस नहीं होती। तो अभी काफ़ी एंगल्स पे कई काम करने बाकी हैं, जो भी गवर्नमेंट, अगर आने वाली गवर्नमेंट या चाहे ये आपको गवर्नमेंट आए कोई भी आए तो उसको इस बारे में सोचना चाहिए। सर, आने वाली गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे? आने वाली गवर्नमेंट में सजेशन ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फिलहाल जो भी स्कीम्स अपनी लागू की हुई हैं, जो गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट तक इन्होंने बिजली फ्री की हुई है और पानी भी फ्री किया हुआ है, तो गरीब लोगों को वो लागू रहना चाहिए। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया है, वो जो किया है भले ही उन्होंने कोई कंसेशन नहीं दिया, लेकिन वो जो पैसा गया वो कहीं ना कहीं घोटालों में गया है। तो ये पैसा अगर किसी तरह से पब्लिक को जा रहा है और गरीब लोगों को मिल रहा है तो ये इसमें गलत नहीं है। तो ये कंसेशन जो है कोई भी गवर्नमेंट है ये लागू रहने चाहिए। ज़्यादा पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, तो पहले तो ये दोनों चीज़ें हैं, इससे निजात पाएँ दिल्ली। तो बाकी प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं, पेड़ लगाने चाहिए हमें, कितने जो मेन ज़रूरी काम है वो है पेड़ों का, तो पेड़ लगाने ज़रूरी हैं जिससे पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट्स होनी चाहिए प्रॉपर, कंजस्टेड एरिया जहाँ है वहाँ पे प्रॉपर रूलिंग होनी चाहिए, सफाई का बहुत ध्यान होना चाहिए हमारे यहाँ पे, और हमारे तो प्रधानमंत्री साहब कहते ही हैं सफाई होनी चाहिए हर जगह। तो और भी बहुत सारी हैं प्रॉब्लम्स, धीरे धीरे सारी चीज़ें, और मेरी बस एक सबसे रिक्वेस्ट है, रोज़ एक पौधा लगाएं, बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स तो होती रहेंगी लेकिन एक पौधा ज़रूर रोज़ लगाएं जिससे पॉल्यूशन पर थोड़ा कंट्रोल।